हेलो, जय बाबा की। कैसे हैं आप सब लोग? कि आजकल जो है सबकी शिकायत रहती है, और मेरी भी है कि बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं बाल। और टूटने की वजह से जो है बालों में ग्रोथ नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं बाल। तो बालों की समस्या जो है इस समय वो ज़्यादा ही चल रही है। बाल तो पहले भी टूटते थे, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं टूटते थे, लेकिन पहले ऐसा होता था कि थोड़े दिन टूटते थे और उसके बाद बालों की ग्रोथ अपने आप होने लगती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि बाल जब से टूटना झड़ना शुरू हुआ है तब से बाल झड़ने बंद ही नहीं हो रहे हैं। लगातार बस बाल झड़ते जा रहे हैं, झड़ते जा रहे हैं, और बाल झड़ झड़ के बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। तो पहले ऐसा भी नहीं था कि सबके साथ ये प्रॉब्लम थी, किसी किसी को होती थी, लेकिन अब तो जिसके मुँह से सुनते हैं बस सबको एक ही प्रॉब्लम है कि बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। पहले हम जैसे बाल टूटते थे, हम लोग घरेलू कोई भी जो है उपचार कर लेते थे, कोई भी चीज़ लगा लेते थे, उससे आराम मिल जाता था। लेकिन आजकल बिल्कुल भी कोई चीज़ बालों पे असर ही नहीं कर रही है। बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बालों की समस्या के लिए मेरे पास ये है, आप लोग देख सकते हैं, नेचर श्योर का लीच ऑयल, जिसको जो है जौ तेल भी बोलते हैं। जौ क्या होती है वो शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि जौ क्या होती है। तो कहीं भी तालाब वगैरह में या गड्ढे में या तालाब में पानी भरा होता है वहाँ पे जौ होती है, और हमने अपने गांव में जौ देखी भी है। और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, जो कि जो लोग गाँव से नहीं जुड़े हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा। तो जौ जो है एक छोटा सा कीड़ा होता है, तो ये ऑयल उसी से बनाया गया है। और ये तेल जो है बालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इस तेल के क्या क्या फायदे हैं और कैसे यूज करना है और इसके अंदर कैसी बोतल निकलती है वो अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तेल जो है लीच ऑयल, तो ये इस तरीके की पैकिंग में आता है, इस तरीके का इसका डिब्बा होता है, तो इस तरह से ये पैक होके आता है। ये इसके रेट क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, और बोतल कैसी निकलती है, इसे यूज कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बताएंगे। इस बोतल में तेल है, 110 ml तेल है इस बोतल में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका रेट है 239 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, हम लोगों के बजट में भी है। इसको हमें कैसे यूज करना है, तो इसको जो है बस हाथों में लेके धीरे धीरे अच्छी तरीके से अपने बालों में, जड़ों में, मतलब धीरे धीरे मसाज करनी चाहिए। बैठ के आराम से इसको लगा लेंगे, जितना ये जड़ों तक जाएगा उतना ही ज़्यादा ये हमें फ़ायदा करेगा। और अगर इसको हम शाम को लगा लें और सुबह जो है शैम्पू करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा फायदा करेगा हमारे बालों को। और वैसे तो मौसम आजकल ऐसा चल रहा है कि हम लोग शाम को भी नहा सकते हैं, तो इसको सुबह के टाइम लगा लें। बस है यही कि इसको बहुत आराम से, बहुत अच्छे से जड़ों तक पहुंचना चाहिए, तभी ये हमारे बालों को फ़ायदा करेगा और बहुत सारी चीज़ों से ये छुटकारा दिलाएगा। तो जैसे कि ये डिब्बे पे ये चार पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे बालों में रूसी है तो ये रूसी में भी फायदा करेगा, और बाल झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें भी ये तेल फायदा करेगा, बहुत फायदेमंद ये तेल है। बालों में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ करने में भी ये बहुत मदद करेगा। कभी कभी बालों में फंगस जैसा हो जाता है, उसमें भी ये तेल बहुत फायदा, तो उसमें भी ये तेल बहुत फायदा करने वाला है। नेचर श्योर का जो जौ तेल है, तो हमारी बालों की कितनी सारी प्रॉब्लम को एक साथ दूर करने वाला है, फायदा पहुँचाने वाला है। तो मुझे तो ये तेल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग भी अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहाँ से चेक करके इसको मंगवा सकते हैं और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें, और कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।